नमस्कार, मैं शिप्रा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस शुरू, लेट होने पर मिलेगा हर्जाना। लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के लिए चलने वाली पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेजस एक्सप्रेस में विमानों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये ट्रेन लखनऊ से कानपुर व गाजियाबाद होते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन अगर एक घंटे लेट होगी तो 100 रुपए और 2 घंटे से ज्यादा देरी होने पर प्रत्येक यात्री को 250 रुपए हर्जाना दिया जाएगा। सेब के बागान में बनी दिल्ली को दहलाने की साजिश। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर अबू उस्मान ने 5 दिन पहले कश्मीर के बांदीपुरा स्थित सेब के एक बागान में आतंकियों के साथ बैठक कर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। अबू उस्मान ने कहा था कि हमारी टीमों ने जम्मू और दिल्ली का खाका तैयार कर लिया है और जल्द ही बड़े आतंकी हमले की गुड न्यूज मिलने वाली है। इन दोनों शहरों में हमारे भाई हमले के लिए पहुंच चुके हैं। मॉब लिंचिंग पर पत्र लिखने वाले 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मॉब लिंचिंग पर प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र लिखने वाले रामचंद्र गुहा, मणि रत्नम और अपर्णा सेन समेत करीब 50 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वकील सुधीर कुमार ओझा की ओर से 2 महीने पहले दायर याचिका पर CGAM सूर्यकांत तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था। ओझा ने कहा कि CGAM ने 20 अगस्त को उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी। हरियाणा और महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे राहुल गांधी। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक रोड शो और रैलियां करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस ने प्रत्याशी की 4थी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने आशीष देशमुख को नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ टिकट दिया है। किसान कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले को सकोली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। सैन्य विद्रोह में मारा गया था शेख हसीना का पूरा परिवार। बांग्लादेश की 4थी बार प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। शेख मुजीब ने ही पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी। वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, लेकिन 15 अगस्त 1975 को सैन्य विद्रोह में शेख मुजीब और उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। परिवार में केवल शेख हसीना ही जीवित बची थी। पिता की हत्या के बाद 6 साल दिल्ली में रही थी शेख हसीना। पिता शेख मुजीब की हत्या की खबर सुनकर शेख हसीना जर्मनी से दिल्ली आई और 1981 तक दिल्ली में रह रही थी। बाद में शेख हसीना ने बांग्लादेश जाकर पिता की राजनीतिक विरासत संभाली। जिस समय परिवार की हत्या हुई थी उस समय वे 28 साल की थी। इस हमले में 20 लोग मारे गए थे और शेख हसीना के परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं बचा था। शेख हसीना अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इराक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज, 18 लोगों की मौत। इराक में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ 3 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। बिना किसी नेतृत्व के हो रहे इन प्रदर्शन का दक्षिण इराक में अधिक असर है। प्रदर्शनों से परेशान प्रधानमंत्री ने राजधानी बगदाद में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद लोग मशहूर तहरीर चौक पर जमा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिजनेस लीडर से मिले आर्मी चीफ बाजवा, तख्ता पलट की अटकलें तेज। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही है और बजट घाटा 3 दशक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसके चलते लोगों का इमरान खान से विश्वास खत्म होने लगा है। इसी बीच सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने देश की राजनीति के बाद अर्थव्यवस्था में भी दखल देना शुरू कर दिया है। बाजवा ने बिजनेस लीडर से मुलाकात की तो वहां तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई। कश्मीर पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बोलती हुई बंद। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से कहा था कि कश्मीर मसले पर उन्हें 58 देशों का समर्थन हासिल है। ये 58 देश कौन से हैं? जब यह सवाल विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से किया गया तो उनकी बोलती बंद हो गई। कुरैशी ने पाकिस्तानी टीवी चैनल एक्सप्रेस न्यूज पर टॉक शो के होस्ट जावेद चौधरी से कहा कि ऐसा सवाल करके आप किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। रणबीर कपूर नहीं, दीपिका के अपोजिट होंगे अजय देवगन। कुछ समय पहले खबर आई थी कि लव रंजन की अगली फिल्म में रणबीर कपूर और अजय देवगन एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं और दीपिका पादुकोण लीड रोल प्ले करेंगी। ये खबर तो सच साबित हुई, लेकिन रणबीर कपूर और दीपिका के फैंस को कुछ निराशा जरूर होगी। इस फिल्म में दीपिका रणबीर कपूर के अपोजिट नहीं बल्कि उनके पापा का रोल निभाने वाले अजय देवगन की गर्लफ्रेंड बनेंगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।